के दो डीएलडी में एक परिवार के साथ में अपन कर मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार को पुलिस अधीक्षक के सामने पेश किया गया। प्रजापति यूथ फेडरेशन के नेतृत्व में ज्ञापन भी दिया गया जिसका नेतृत्व संयोजक अशोक प्रजापति कर रहे थे। आइए पहले हम आपको दिखाते हैं वो पीड़ित परिवार जिनके साथ में यह मारपीट की गई। डी एल डी और हमारे समाज का एक परिवार रहता है सोनलाल कुमार और उसका परिवार 4 तारीख को रात को पुगल थाने के उस क्षेत्र के मशहूर गुंडे 20-25 लोग 3-4 गाड़ियों में भरकर परिवार के यहाँ पहुँचे। इन परिवार की 2 महिलाएं, एक 19 साल की बच्ची और एक महिला को उठाकर ले गए। इसकी पारा है कि आप देख नहीं सकते, देखने वाला भयभीत हो जाता है कि ऐसे कैसे मार सकता है कोई। उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई 25-30 गुंडे थे, लेकिन आज हम माननीय एसपी साहब से मिलने आए हैं और उनको ज्ञापन देकर न्याय की गुहार करना है। सभी समाज के लोग, समाज की सभी संस्थाएं हैं, खाजुवाला से और पुगल से भी लोग आए हैं, सभी मिलकर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। इसी मौके पर हमने अपहरण किए गए परिवार के पीड़ितों से भी की बातचीत। तो एक मुसलमान और कई लोग हंसराज जाट और मन मारपीट करी और होटल बनाए लो डब्बो करेड़ो रोड के ऊपर दुकान चढ़ी पर दुकान तोड़ दी फोड़ दी सारी रोड की जगह में सामान ले गया सारो निकाल के मारो मन लुटा खोज कर ली इनकी सारी गाड़ी में गाड़ी गया मैंने खोड़ा मरने की गया बट मन डाल गए तो बेल्टी स्टैंड पर कोई कौन नवा तान भी दिन रात ने मार सक मार भी तो